रोजाना एक इस्तेमाल से चेहरे को दूध जैसा गोरा बनाएगा यूफाई। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिखने में बचपन में कुछ इस तरह के थे लेकिन अब आपके चेहरे का रंग धीरे धीरे डल पड़ने लगा है तो घबराइए नहीं, ये उपाय आपके लिए है। ये उपाय दोस्तों आपको पहले की तरह दूध जैसा गोरा बनाएगा। और अगर आपके चेहरे पर किसी तरह के दाग धब्बे, निशान या आपकी स्किन जो है डल हो चुकी है उसको साफ और सुंदर बनाएगा और आपका चेहरा बचपन की तरह कोरा दिखाई देगा। तो चलिए ये जानते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे इस दाल को। ये जो है दोस्तों, ये है मसूर दाल। डल स्किन, चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों को दूर करने के लिए दोस्तों मसूर दाल बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है जिससे कि आपके चेहरे पर एक नई स्किन आती है और आपका चेहरा पहले से साफ और सुंदर दिखाई देता है। आप दोस्तों यहाँ पर ये मसूर दाल लीजिए और इस मसूर दाल के 2 चम्मच आप एक खाली कटोरी में डाल लीजिए। आप यहाँ पर ये 2 चम्मच मसूर दाल डालिए और इसके बाद अगली चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है चावल। चावल दोस्तों हमारे चेहरे के रंग में निखार लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके हमें स्किन टैनिंग से राहत दिलाता है और हमारे चेहरे की त्वचा में निखार लाता है जिससे कि हमारा चेहरा और भी गोरा दिखाई देता है। आप यहाँ पर दोस्तों ये चावल लीजिए और इस चावल के 2 चम्मच जो है आपको मसूर की दाल के जितने ही 2 चम्मच इस चावल के डाल लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए, आप इन्हें पानी से अच्छे से साफ कर लें और साफ करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे दूध को। आप दोस्तों दूध लीजिए। दूध जो है दोस्तों स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही साथ ही हमारी त्वचा को नरिश करता है जिससे हमारी चेहरे पे चमक आती है। आप यहाँ पर दोस्तों इसमें दूध मिलाइए। दूध जो है दोस्तों आपको उतना डालना है जिससे कि ये अच्छे से इसमें डूब जाए। आप यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के बराबर दूध डालिए और दूध डालने के बाद आप इसे भिगो कर रखिए। आप दोस्तों यहाँ पर इसे 15 से 20 मिनट तक दूध में भिगो कर रखिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दाल है काफ़ी मुलायम हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लें और आप इसे अच्छे से ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद आपका ये जो पेस्ट है कुछ इस तरह से दिखेगा। आप दोस्तों इस पेस्ट को इस तरह से एक खाली कटोरी में डाल लीजिए। ये जो पेस्ट है दोस्तों, इस पेस्ट में हम यहाँ पर एक और चीज़ मिलाएंगे, लेकिन आपको इसे तब मिलाना है जब आपको इसका इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस उपाय का प्रयोग जब भी दोस्तों आपको अपने चेहरे पर करना है, इसके लिए सबसे पहले आप ये पेस्ट लीजिए और इस पेस्ट के अपने चेहरे के बराबर यानी कि अपने चेहरे के हिसाब से 2 चम्मच जो है इस पेस्ट के ले लीजिए। आप यहाँ पर 2 चम्मच ये पेस्ट लीजिए और उसके बाद इसमें जो चीज़ हम यहाँ पर मिलाएंगे वो जो चीज़ है दोस्तों वो है शहद यानी कि हनी। आप दोस्तों ये शहद लीजिए और इस शहद का 1/2 चम्मच जो है इस पेस्ट में मिलाइए और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इन्हें मिक्स करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाइए। आप यहाँ पर इस तरह से पेस्ट लगाइए और इसे अच्छे से रब कीजिए। आप दोस्तों इसे अच्छे से 2 से 4 मिनट तक रब कीजिए। इससे जो है ये आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स और डर्ट को रिमूव करेगा और साथ ही साथ ये जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करेगा जिससे आपको अपने चेहरे पर नई त्वचा देखने को मिलेगी। और रब करने के बाद दोस्तों आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद ये आपके चेहरे पर अच्छे से सूख जाएगा और सूखने के बाद आप इसे धोकर अपने चेहरे से उतार लीजिए। रोजाना एक ही इस्तेमाल से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर कमाल के असर देखने को मिलेंगे। आपका चेहरा जो है धीरे धीरे आपके बचपन के चेहरे की तरह गोरा दिखने लगेगा और आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी जिससे कि आपको साफ और सुंदर चेहरा देखने को मिलेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आती है तो लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।